तो दोस्तों, जैसा कि कल मार्केट में एक्सपायरी है एंड हम सोच के बैठे हैं मार्केट में जहाँ तो एक काफ़ी अच्छी अपसाइड या फिर काफ़ी अच्छी डाउनसाइड की मूवमेंट आ सकती है। बट ना यहाँ पे देखो, मार्केट में ना ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स देखते हैं सबसे पहले। ये देखो, ये है आप सबके सामने, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। तो ये है आप सबके सामने आज की US मार्केट केल के साथ। अगर इसको हम थोड़ा सा मेज़र करके देखें तो ऑलमोस्ट हमें 200 पॉइंट्स की रेंज देखने को मिल रही है। 200 की रेंज पता कितनी होती है? बहुत ही कम है। तो पिछले कल हमें देखो यहाँ पे 600 पॉइंट्स की रेंज देखने को मिली थी। अब ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं कर पा रही हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा सिनेरियो पता चलता है कि कल वाली जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा एक रेंज में रहेगी। सो ये है बैंक निफ्टी, जहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्रेडिंग व्यू में बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। आप एक चीज़ नोटिस करो, ये है कल की डेली CPR एंड मैंने बताया हुआ है कि 100 पॉइंट्स के ऊपर जब इसकी वैल्यू मिल जाए ना, है ना, जब इस रेंज की वैल्यू आपको 100 पॉइंट्स के ऊपर ऊपर की मिल जाए तो समझ आना कि मार्केट में एक रेंज बन जाएगी। मतलब अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि रेंज क्या होती है। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने इस लेवल से लेके इस लेवल तक जब काम किया, ठीक है ना, इसका देखो ना तो इस लेवल का लो ब्रेक हो रहा था ना ही हाई ब्रेक हो रहा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मार्केट ने एक रेंज में काम किया तो उसको हम कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। तो इस तरह से मार्केट में कल हमें एक रेंज जो है देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे इसको अगर हम चेक करते हैं स्केल के साथ तो ये लगभग हमें 145 पॉइंट्स की दिख रही है, 145 या 147 के आसपास की होगी है, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है? देखो यहाँ पे अगर ये CPR अगर तो कैंडल्स के नीचे है तो समझ आना कि मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। एंड अगर गैप डाउन नहीं होता है मार्केट में, देखो ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं इस टाइम पे वो सारे के सारे एक रेंज में हैं, मतलब कुछ खास हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है मार्केट में। इससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि कल मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होने का मतलब है जहाँ तो इसके थोड़ा सा नीचे रहेगी, जहाँ तो इसी के बीच में हमें एक कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है ओपनिंग की वो मिल सकती है। एंड अगर सीपीआर में हमें कैंडल्स मिल जाएं फर्स्ट मिनट की या 5 मिनट की या कुछ भी आप कह सकते हो, तो फर्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे अगर बन जाती है तो समझ आना इसी रेंज में मार्केट हमें ट्रैवल करती हुई दिखाई देगी। अब ये कितनी रेंज है, कहाँ से कहाँ तक की है? ये है 40,200 से लेके 40,079, ठीक है। तो 40,000 मतलब 200 से 250 पॉइंट की रेंज में जब मार्केट ऐसे ट्रैवल करेगी। देखो विक्स भी बनती हैं। अब आप कहोगे कि ये तो एक 147 पॉइंट्स की थी तो ये इतना गैप कैसे आ सकता है, ठीक है। तो विक्स भी बनती हैं। विक्स क्या होती हैं? विक्स होती हैं ये देखो कैंडल्स, एंड कैंडल्स के ऊपर जो विक्स होती हैं ये इतना तो होप करता हूँ यार आपको पता होगा ये चीज़ें क्या ही बतानी है मार्केट में, पर चलो मेरा बताने का काम है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, ये विक्स होती हैं ना तो विक्स भी यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करती हुई हमें दिखाई दे सकती हैं, ठीक है तो हम सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी से निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में भी हमें एक काफ़ी अच्छी सी CPR देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये तो 100 पॉइंट से नीचे की है तो, है ना, तो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है। बट बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट्स के ऊपर हमें CPR की वैल्यू दिख रही है तो वो बड़ी वैल्यू है। निफ्टी में अगर हमें 30 पॉइंट से ऊपर की CPR मिल जाए तो बड़ी CPR में उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमें कितनी थी, 65 की थी शायद, है ना। तो 65 पॉइंट्स की यहाँ पे हमें निफ्टी में CPR देखने को मिली है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है कि मार्केट में कल एक बहुत ही स्लो मूवमेंट रहेगी, सिर्फ प्रीमियम्स को डीके किया जाएगा। जैसे कि एक बहुत बड़ी हमें
आज मूवमेंट देखने को मिली है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर 50 की कोई प्राइस थी, वो अभी 200 की हो गई है, तो 150 का जो गैप आया उसको मार्केट ने अभी कवर करना है। यहाँ पे देख सकते हो अभी तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बना मार्केट में। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, जहाँ तो मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, जहाँ तो फिर इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो हो सकता है कल हमें इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कल हो सके तो मार्केट में ट्रेड मत ही करना। ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं इस टाइम पे, एंड इसी हिसाब से मार्केट हमारी कल की काफ़ी ज़्यादा बेकार रहने वाली है। तो हो सकता है कल हमें एक आधा ट्रेड जो है देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना कि हमें जो आज जो ये वीक की एक्सपायरी है उसमें ट्रेड मत करना। तो आइए सीधा हम बात कर लेते हैं लेवल्स क्या रह सकते हैं। देखो ये है निफ्टी 50 एंड ये है बैंक निफ्टी। अब दोस्तों यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो मेन लेवल है वो है यहाँ पे 17,600 का, ठीक है। इस लेवल को काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट रिसिस्ट करेगी कल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी देर मार्केट ने थोड़ा सा टाइम लिया, एंड इसके बाद हमें काफ़ी अच्छी सी मूव देखने को मिली टूवर्ड डाउन साइड। तो 17,650 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे जाती है, तो हमारा टारगेट ऊपर की तरफ का सिर्फ इतना रहेगा जो है 17,725 का। तो अगर तो कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है जो कि आज का डे लो है, तो हमारा टारगेट सिर्फ 17,500 का ही रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रहेगा मार्केट में, जैसे कि एक रेंज में कल हमें ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये चीज़ 40,273, ठीक है। अगर इससे ऊपर ना हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, रिमेंबर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल से काम नहीं चलेगा, तो हमारा जो टारगेट है वो रह सकता है 40,472 का, ठीक है। एंड जो आज का हमारा डे हाई है वहाँ तक भी मार्केट हमें जाती हुई दिखाई दे सकती है। बट मुझे लगता है कि मार्केट में कल एक वही रेंज में रहेगी, बोरिंग सी मार्केट रहेगी, कुछ ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो कल अगर मार्केट आज का डे लो ब्रेक करती है, तो हमारा टारगेट रहेगा 39,830 के आसपास का, ठीक है। कल इतनी ज़्यादा अच्छी मूव नहीं रहेगी, तो मुझे इतना मतलब मज़ा भी नहीं आ रहा है लेवल्स को बताते हुए, बट फिर भी चलो बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो हमारी रेंज जैसे आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा खास कल नहीं रहने वाली है, बोरिंग एक्सपायरी रहेगी। बट अगर कुछ सेंटिमेंट्स हमें लगते हैं, जैसे कॉल राइटिंग्स होती है या फिर पुट राइटिंग होती है, किसी भी साइड की पोजीशंस को अगर स्केयर ऑफ किया जाता है, चाहे वो कॉल साइड की है चाहे वो पुट साइड की है, तो वहाँ पे सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं मार्केट के, ठीक है। ये चीज़ें अगर चेंज होती हैं तो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में ये अपडेट कर दूंगा कि, तो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।